वोकल फॉर लोकल एजेंडा नहीं लक्ष्य है नीति आयोग की बैठक में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे ओडिशा भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। राजस्थान के खाटू श्याम मेले में भगदड़, 3 श्रद्धालुओं की मौत, सीएम गहलोत ने जताया दुख। कोरोना की रफ्तार में कोई कमी नहीं, दिल्ली में एक दिन में 2423 नए मामले, केंद्र सरकार पर जीनोम जांच पर जोर। टेबल टेनिस में शरत और श्रीजान की जोड़ी ने जीता गोल्ड, भारत को मिला 18वां गोल्ड। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते इस वक्त की खास खबरों का। सीएम योगी आदित्यनाथ आज आगरा के दौरे पर रहने वाले हैं। सीएम योगी 2:15 पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम में शामिल होकर जागरूकता रैली को रवाना करेंगे। 12:30 सीएम मेट्रो रेल परियोजनाओं का निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा 12:45 पर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग में भी हिस्सा लेंगे। पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम जो योजना है उसमें शामिल होंगे, जागरूकता रैली को भी रवाना करेंगे। सीएम आज आगरा में मौजूद रहेंगे, वही 12:30 सीएम मेट्रो रेल परियोजनाओं का निरीक्षण करेंगे। आपको बता दें कि जो परियोजना है मेट्रो रेल की, वो तेजी से आगरा में चल रही है, जिसको लेकर तेजी लाने की भी बात कही गई थी सीएम के द्वारा। इसके अलावा 12:45 पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा आयोजित प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग में भी हिस्सा लेंगे। संवाददाता जिशान इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिशान, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा में मौजूद रहेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम है उनके आज के? आदित्यनाथ का आज आगरा आगमन है, तकरीबन 2 आगरा में रहेंगे। यही वो चौराहा है, जहाँ से पहले तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर वो यात्रा को रवाना करेंगे। आप साफ तौर से देख सकते हैं, अगर व्यवस्थाओं की हम बात करें तो पुलिस प्रशासन की 454 व्यवस्थाएं भी देखने में मिल रही हैं। और हम आपको बताते हैं, इसके बाद से हम आपको आगे ले चलते हैं, सी के बगल में मेट्रो रेल डिपो का निरीक्षण भी करेंगे। आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि चौराहे के बाद बगल में ही मेट्रो डिपो का जो निरीक्षण करना है, वहां पर मेट्रो रेल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे और वर्चुअल वहां भी अनावरण करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग का कार्यक्रम, 3 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है, वहां भी हिस्सा लेंगे। तमाम युवा मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं उनको संबोधित भी करेंगे। मैं आपको दिखा दूं ये मेट्रो का जी, बिल्कुल बिल्कुल जिशान, मेट्रो भी, मेट्रो को तेजी से उसके निर्माण में तेजी लाने के लिए भी उन्होंने कहा है, जो परियोजनाएं हैं उसका निरीक्षण करने के साथ ही साथ जिशान 12:45 पर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग में भी हिस्सा लेंगे। किस तरह का उत्साह जो युवा मोर्चा है उसमें देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पहले युवा मोर्चा 3 दिन से कार्यक्रम चल रही थी युवा मोर्चा की। पूरे प्रदेश से युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आगरा की एक निजी होटल SNG गोल्ड में कार्यक्रम चल रहा है। हालांकि समापन का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे और समापन करेंगे, वहीं सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। जी जिशान, बिल्कुल आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे पर अपनी नजर बनाए रखें, हम जल्दी आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया जिशान।
सावन का चौथा और आखिरी सोमवार आज है। महादेव का प्रिय माह सावन अब समाप्ति की ओर है। 12 अगस्त को सावन खत्म हो जाएगा और भाद्रपद महीने की शुरुआत हो जाएगी। भोलेनाथ की भक्ति के लिए सावन का सोमवार बहुत उत्तम माना जाता है। मान्यता है इस दिन व्रत रख सच्चे मन से रुद्राभिषेक करने से तमाम सुखों की प्राप्ति होती है। प्रदेश के कई शिवालयों में भी शिव भक्तों की भीड़ दिखाई दे रही है और मंदिरों में भी भक्त जलाभिषेक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अलग अलग जनपदों की तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह जो श्रद्धालु हैं वो आस्था के साथ शिव मंदिरों पर पहुंचे हुए हैं और भगवान शिव की पूजा अर्चना करने में लगे हुए। साथ ही साथ सावन महीने में कांवड़ियों की भी काफ़ी भीड़ रहती है। वो जल भरकर भगवान शिव मंदिर पर पहुंचकर उन्हें जलाभिषेक करते हैं। गोंडा, बदायूं, औरैया, मुरादाबाद, शाहजहांपुर और श्रावस्ती की तस्वीरें आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं की, कि किस तरह से श्रद्धालु भगवान शिव की भक्ति में डूबे हुए हैं। लगभग सावन का महीना अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा है। उत्तर प्रदेश में नोएडा अथॉरिटी की टीम ने ओमैक्स सोसाइटी पहुंचकर महिला से बदसलूकी करने वाले नेता श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण पर हथौड़ा चलाना शुरू कर दी है। आरोपी त्यागी ने अपने फ्लैट के आसपास अवैध निर्माण कर रखा था। आरोप है कि आरोपी सोसाइटी का मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं देता था और अथॉरिटी के नोटिस को अपने रसूख से रुकवा देता था। बता दें कि दबंग नेता श्रीकांत त्यागी पर गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया है, जबकि पुलिस की 12 टीमें आरोपी की तलाश के में बीते दिन से दबिश दे रही। मैनपुरी के बेवर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बेवर पुलिस और सर्वेलेंस टीम ने ई रिक्शा लूट के मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। बीते 27 जुलाई को अभियुक्तों ने ई रिक्शा चालक को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया था और उसका ई रिक्शा लूट ले गए थे। पुलिस ने पूरे मामले में करीब 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आज सुबह 6 बजे के आसपास एक गैंग पकड़ा गया है। यह गैंग एक परिवार के रूप में चलता है और बस स्टैंड के बाहर से किसी भी ई रिक्शा वाले को बुक करके ले जाता है सुनसान इलाके पर। कोल्डिंग में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश करके उसका ई रिक्शा, उसके साथ जो भी कीमती सामान, रुपया, पैसा होता है, लूट कर भाग जाते हैं। इस गैंग के 4 सदस्य हैं, गब्बर सिंह, विनोद, प्रवेश, विनीता, साथ में एक महिला भी है विनीता, जो गब्बर सिंह की पत्नी है। महिला होने के नाते होने की वजह से जो ई रिक्शा चालक हैं वो जल्दी से झांसे में आ जाते थे और उनके दिए गए खाद्य पदार्थ का सेवन कर लेते थे। इनके पुराने इतिहास को भी खंगाला जा रहा है। संभवतः छिबरा में आसपास के इलाकों में भी अन्य घटनाओं के खुलने की संभावना है। दायू के ग्राम गौनी में 11 युवक कछला घाट में 101 किलो गंगा जल भरकर नाचते हुए पटना देवकली शिव मंदिर का जलाभिषेक करने के लिए पैदल जा रहे हैं। सावन माह का आखिरी सोमवार का दिन है, इसलिए सभी कांवड़िया जलाभिषेक के लिए धूमधाम से जा रहे हैं। आपको बता दें कि इन सभी कांवड़ियों को कस्बा अलापुर में हो रहे भंडारे में रोककर भोजन कराया गया। मैनपुरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेवर और पीएचसी मैनपुरी हरी में टीकाकरण के लिए मेगा कैंप का आयोजन किया गया। बेवर में मेगा कैंप का उद्घाटन मंडल अध्यक्ष अनिल शाक्य ने फीता काट कर किया। वहीं पीएचसी मानपुर हरी पर लगे शिविर में शुभारंभ भाजपा जिलाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र सिंह चौहान ने किया, जिसमें 1500 लोगों को टीका लगाया गया। आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेवर पर हुआ पूरे मानपुर हरी ब्लॉक पर भारत सरकार की तरफ से आजादी अमृत महोत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत एक कोविड-19 वैक्सीनेशन का मेगा कैंप का आयोजन आज किया गया था, जिस कैंप में सभी लाभार्थियों को बूस्टर डोज से आच्छादित किया गया। 18 वर्ष से ऊपर के सभी लाभार्थियों को कोविड-19 का बूस्टर का टीका लगाया गया। अब तक आज लगभग 1500 टीके लगाए जा चुके हैं। मेरा समस्त नगरवासियों से, क्षेत्रवासियों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभार्थी इस योजना का लाभ उठाएँ और आज़ादी अमृत महोत्सव। सिद्धार्थनगर में चौधरी ढाबे पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने नकली पनीर पकड़ा है। जानकारी के मुताबिक मानक से ज्यादा दुकानदार पनीर में मिलावट कर बेच रहा था और पनीर में पाउडर की मात्रा ज्यादा थी। इसके साथ ही ढाबे का लाइसेंस भी मानक के अनुरूप नहीं है। दरअसल इनके यहाँ पहले से भी लोगों की शिकायतें रही कि इनके यहाँ पनीर मिलावटी रहा है या उनको दिक्कतें होती रही है,
तुमने कहा पहले हमको पनीर खाना है, आप कच्चा पनीर हमको टेस्ट करवा दीजिए किस तरह का है ये। हमने कच्चा पनीर के यहाँ से जब टेस्ट किया तो उसमें हमको मिलावटी का हमने संदेह हुआ। हमने होटल मालिक होटल मालिक को हमने बुला करके कहा सर ये आप पनीर कहाँ से मंगवाते हैं, इसमें कुछ संदेह हम लोगों को है कि मिलावटी है, पाउडर का पनीर है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो एक पहले तो वो बताए नहीं कि पनीर कहाँ से मंगवाते हैं, फिर उन्होंने कहा कि हम बासी से मंगवाते हैं। हमने कहा आपके पास कोई बिल हो तो हमको दिखा दीजिए, बता दीजिए कहाँ से मंगवाते हैं। तो इनका कहना रहा कि नहीं हम बिल नहीं दिखाएंगे, आप किसी जिसको भी बुलाना हो उसको बुला लीजिए, बुला करके हम उन्हीं को दिखाएंगे। तो हमने डीएम साहब को फ़ोन किया, काफ़ी इनका भद्रता व्यवहार भी रहा। ये जो है उनकी शिकायत थी, इन्होंने फ़ोन के बताया कि यहाँ पे नकली पनीर बिक रही है और जिसकी सूचना पे हम लोग यहाँ पे आए हैं और कार्रवाई कर रहे हैं, और नमूने लेके भेज रहा हूँ, जैसे रिपोर्ट आई वैसे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ये प्रथम दृष्टया तो ये लग रहा है कि इसमें पाउडर का बना हुआ है जिसमें फैट की मात्रा जो है बहुत ना के बराबर है, और फैट होता तो इसमें थोड़ा सा खाने में। कालाबाजारी पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है, लेकिन तब भी लगातार कालाबाजारी का खेल चल रहा है। ताजा मामला बदायूं जिले के विलसी क्षेत्र के ग्राम दिघोनी का है, जहां पर आंगनवाड़ी केंद्रों पर मिलने वाले राशन में 15 कट्टे रिक्शा से कालाबाजारी करके करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री ले जा रही थी, तभी रिक्शा में लदे कट्टे ग्रामीणों ने देख लिया और उसकी वीडियो बनाकर 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दे दी। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने इसकी लिखित शिकायत एसडीएम को दी है। उन्होंने कहा कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। संवाददाता मनोज उस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके। मनोज, ये कालाबाजारी का क्या कुछ मामला बदायूं से सामने आया है? कट्टे बाजार में बिकने जा रहे थे, सभी ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी 112 पे। अब आगे इस पे किस तरह की कार्रवाई की जा रही है मनोज? पुलिस कार्रवाई करने की कह रही है, एसडीएम कह रहा है कि एसडीएम को भी बताया उन्होंने, अब कराया कि कार्रवाई कर रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। सुल्तानपुर के जयसिंहपुर के विधायक राजप्रसाद उपाध्याय ने ब्लॉक परिसर में रिबन काट कर आम जनमानस के लिए बूस्टर डोज लगवाने का शुभारंभ किया। इस दौरान कुरेभार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बन रहे 30 बेड के अस्पताल के निर्माण कार्य का जायजा लिया। लापरवाही मिलने पर वहां मौजूद मातहतों को फिता काट कर लगाई। आप हमारे साथ शुरू से हैं, मैंने जी उनके ठेकेदार साहब थे नहीं जी, यहाँ के डर साहब थे जी, उसका मतलब आदमी था ठेकेदार का जी, मैंने मना कर दिया है जब तक जो है वो ठेकेदार आ जाएगा हमको इस्टीमेट देगा, हम सभी लोग देखेंगे जी। मैंने कहा उस तो हमने आप पहुँच, यहाँ के माननीय प्रमुख जी हैं, इस गांव के सम्मान्य प्रधान जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, हमारे पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं, वो लोग आ जाएंगे, इस्टीमेट देख लेंगे, संतुष्ट हो जाएंगे, उसके बाद अब काम होगा। बरेली के फरीदपुर थाना क्षेत्र में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से 5 कांवड़िए झुलस गए। घटना से मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी होते स्थानीय लोगों की मदद से सभी कांवड़ियों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना की जानकारी होते ही मौके पर एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज और डीएम मौके पर पहुंचे। क्या नाम है तुम्हारा? गंगाचरण। बताओ कैसे हुआ या करंट कैसे लगा आप लोगों को? करंट ट्रॉली अंदर कर रहे थे भट्टे में, तो उसी से करंट लगे, वो पाइप था निकला हुआ ऊपर, वही पाइप लग गया हुआ उसमें, तो करंट लग गया। कहाँ से जल लेके आ रहे थे? कतला से। कहाँ जा रहे थे? सिद्ध बाबा पे, वहीं रात के लिए रुकते थे वहीं हम। कितने लोगों को करंट लगा? यही 5 लोग हैं। 5 लोग। फर्रुखाबाद सामाजिक संगठन विकास मंच ने एक बार फिर संगठन का विस्तार शुरू किया है, जिसके तहत विकास मंच के कार्यालय पर मीटिंग का जिलाध्यक्ष के पद पर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और सामाजिक नेता आशीष मिश्रा की नियुक्ति की गई है। संगठन प्रमुख मोहन अग्रवाल ने कहा कि जनता के हित, दीन दुखियों की समस्याओं का निवारण ही संगठन का प्रमुख उद्देश्य है। ये मीटिंग वर्तमान में तो ये फर्रुखाबाद विकास मंच का कार्यालय है, तो इस पर एक मीटिंग आज आयोजित की गई और फर्रुखाबाद विकास मंच से जुड़े हुए सभी जो हमारे सम्मानित कार्यकर्ता थे, हमारे भाई थे,
उनके साथ हम लोगों ने संवाद किया और कोरोना काल के बाद जो है पहली बार एक बैठक हुई। संगठन की तरफ से कोई नियुक्ति हुई है, किस पद पे हुई है? संगठन में जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण पद है जिला का पद है, तो जिला अध्यक्ष है वो हमारे संगठन के ही बहुत जिम्मेदार जो साथी हैं श्री आशीष मिश्रा और भैयन जी, उनको संगठन का की कमान सौंपी गई है। फर्रुखाबाद विकास मंच एक बहुत बड़ा संगठन है और फर्रुखाबाद में इसने बहुत ऐसे काम किए हैं जो कि मील के पत्थर साबित हुए हैं कि जब भी ज़रूरत हुई है फर्रुखाबाद में किसी भी व्यक्ति को और फर्रुखाबाद विकास मंच से अगर उसने संपर्क किया है या किसी भी कार्यकर्ता से संपर्क किया है तो उस व्यक्ति की मदद हुई है। और अगर देखा जाए फर्रुखाबाद में जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसमें अगर जैसे कोरोना काल था, कोरोना काल में हमारे राहुल जैन ने जब 50,000 रुपए में गैस के ऑक्सीजन के सिलेंडर बिक रहे थे तो फ्री सेवा में बेचारे ने सभी के माध्यम से पूरी व्यवस्था की और उसमें विकास मंच के प्रत्येक सदस्य का सहयोग रहा। राम नगरी अयोध्या में राम के नाम पर जमीन में खेल करने का एक बड़ा मामला सामने आया। सरयू नदी के किनारे डूब क्षेत्र की जमीनें, सरकारी नजूल की जमीनें और ग्रामीण क्षेत्र की जमीनों के एक बड़े हिस्सों को सरकारी अधिकारियों की मिली भगत से बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी डीलरों ने बेच रहा है। इस खरीद के मद्देनजर अयोध्या विकास प्राधिकरण ने 40 ऐसे प्रॉपर्टी डीलरों की लिस्ट जारी की है और इस तरह की जितनी भी अवैध कॉलोनियां हैं वर्तमान में 40 कॉलोनी चिन्हित करी हुई हैं, हम बारी बारी से कर उस पर डिमोलिशन की कार्यवाही कर रहे हैं। यहाँ जो लोगों ने खरीद फरोख्त करी है उनके नाम भी आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उनकी भी हम जांच करवा रहे हैं और जो ऐसे प्रॉपर्टी डीलिंग का जो काम कर रहे हैं उनके विरुद्ध भी सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। और जनता से मेरा ये अपील है कि इस तरह की अवैध कॉलोनी जो बनाई जा रही है उनमें भवन बनाने का कोशिश नहीं करें। नक्शे बदायूं में कदार चौक थाना प्रभारी साथ शिव प्रताप सिंह ने निरीक्षक वेदपाल सिंह और पूरे महकमे और कावड़ियों के साथ तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। यह यात्रा कावड़ियों और कस्बों के सम्मानित लोगों के साथ निकाली गई। इस यात्रा में कस्बे के बच्चे, बूढ़े, नौजवान और कावड़ यात्रा के सभी कावड़ियों ने अपने हाथ में तिरंगा लहराते हुए तिरंगा यात्रा निकाली। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बीते 3 छात्रों को गोली लगने के बाद मामला गरमाता जा रहा है। छात्रों को गोली लगने के बाद एमयू के कई छात्र बाबे सैयद गेट को बंद कर धरने पर बैठ गए और प्रशासन से आरोपियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन की सूचना पर पुलिस और प्रोक्टोरियल टीम मौके पर पहुंची और छात्रों को समझाने का प्रयास कर रही है। कार्रवाई हो और फैकल्टी के अंदर पिस्टल कैसे अलाउ हो गई, जो भी टीचर्स वगैरह हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो क्योंकि वो उनकी जिम्मेदारी थी और ये जनरल स्टूडेंट की सेफ्टी का सवाल है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अमजद है। किस चीज़? मामला ये हुआ कि कल एक आर्ट्स फैकल्टी के पास सामने और आर्ट्स फैकल्टी के अंदर भी एक इंसिडेंट हुआ जिसमें फायरिंग हुई है और हमारे पास जो रिपोर्ट आई उसमें रिपोर्ट में आई कि एक लड़का है उसको कुछ लोग जो है मोटरसाइकिल पर बिठाल करके यानी किडनैप करके ले जाना चाहते थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जिन्ना की तस्वीर हटाने को लेकर भ्रष्टाचार विरोधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित केशव देव शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। पत्र में कहा गया है कि चुनावी दौर के दौरान 2019 में बीजेपी से सांसद सतीश गौतम ने जिन्ना की तस्वीर को हटाकर पाकिस्तान भेजने का वादा किया था। इसके अलावा हिंदू छात्र छात्राओं को 20% आरक्षण दिलाने की भी बात कही थी। पंडित केशवदेव शर्मा ने अलीगढ़ की ऐतिहासिक जामा मस्जिद को लेकर पिछले दिनों एक RTI डाली थी। इस दौरान पंडित केशवदेव शर्मा को अज्ञात लोगों की ओर से धमकी भी मिली थी। माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा है जिसमें हमने मांग की है कि सांसद जी ने जो वादे किए थे 2019 के चुनाव में खैर जट्टारी एक सभा के बीच कि जिन्ना की तस्वीर पाकिस्तान पहुंचाऊंगा, 20% रिजर्वेशन लागू कराऊंगा,
लेकिन आज तक कोई भी वादा उनका पूरा नहीं हुआ है। इसे लेकर हमने 2021 में भी ज्ञापन दिया था जब 2 साल पूरे हो गए थे, जब भी हमसे कहा था कि हम इस वादे को जल्दी पूरा करूंगा, लेकिन आज 3 वर्ष से ऊपर होने वाले हैं, 2024 का फिर चुनाव आने वाला है, लेकिन लोकसभा अलीगढ़ सांसद माननीय सतीश गौतम जी द्वारा एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। अलीगढ़ में उद्योग व्यापार संगठन की ओर से नवीन कार्यकारिणी के सम्मान समारोह में जीएसटी की धारा के तहत 16 का व्यापारियों ने पुरजोर विरोध किया। संगठन के संयोजक अनुराग गुप्ता ने कहा कि जीएसटी में हो रहे रोज फेरबदल से अधिकारियों से व्यापारी तक परेशान है। कुछ समय से यह देखने में आ रहा है कि S&IB की टीम द्वारा अलीगढ़ जनपद में मेटल कारोबारियों के यहाँ छापेमारी भी हो रही है। ये बहाना तो था सम्मान समारोह का, नवीन कार्यकारिणी का ऐलान तो हमें जीएसटी के खिलाफ संघर्ष करने का करना है। इस जीएसटी कानून के अंतर्गत आने वाली धारा 16 जो लगातार व्यापारियों का शोषण करने के लिए बनी हुई है, अधिकारी भी इस बात को मानती हैं कि धारा 16 में जब तक रहेगी जब तक व्यापारियों का शोषण होता रहेगा। इस शोषण के खिलाफ हमारी जंग जारी है। बुलंदशहर के गुलावटी कोतवाली प्रभारी पर अभद्रता व मारपीट अपमानित करने का आरोप लगाते हुए बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने कोतवाली के गेट पर जमकर हंगामा किया। कार्यकर्ताओं ने शिकायती पत्र देकर कोतवाली प्रभारी समेत घटना के वक्त थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की भी मांग की। इस मामले में बजरंग दल के जिला संयोजक ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। लेकिन गुलावटी नगर कस्बे में मैं रहता हूँ। आज क्या मामला हुआ, क्यों थाने पर हंगामा हो रहा है? अभी कुछ विगत दिनों एक मुस्लिम लड़के ने, ताहिर नाम के लड़के ने, एक हिंदू लड़की की आपत्तिजनक वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर वायरल कर दी, जिसके लाखों लोगों ने उसे देखा। जब उसके संबंध में कल परिवारजन व संगठन के अन्य पदाधिकारी कल जब प्रार्थना पत्र लेकर थाने पर गए तो पुलिस उसमें कोई कार्रवाई नहीं की। इन्होंने कोई एक प्रकरण था, उस प्रकरण में लोग आए थे थाने पर, इनका यह कहना है कि पुलिस द्वारा बदसलूकी की गई है। इस संदर्भ में उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया है, उस एप्लीकेशन के आधार पर जांच कराई जा रही है। जांच के बाद जो सही होगा उसका उसे कार्रवाई करेगी। अब तक की खास खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।